बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई सुबग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक बहुत सूदखोर था, तो गरीब आदमी श्रद्धा बस उससे सूद में रुपया ले और जाया करे। बहुत खुश था कि सिर फिरे लोग, अच्छा हमारी कमाई बढ़िया है और दूना चौगुना सूद वसूल किया करे, और हज जाने वाले झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते, जो मांग लिया वो देना ही पड़ेगा। वो बहुत खुश था कि बड़े अच्छे ही सिर फिरे लोग जा रहे हैं हज। एक दिन उसने स्वप्न देखा कि दो फरिश्ते आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, इस साल हज में कितने लोग गए। तो बोले 2.5 लाख। कितनों का हज मंजूर हुआ, कबूल हुआ? बोला 1 का भी नहीं। फिर बोला कि 1 का कबूल हुआ, ये जो कोठी है 1 करोड़पति की, इसके पीछे जो झोंपड़ी में टिका हुआ है चमार, उसका कबूल हुआ। बोले ये हज गया था? बोले गया तो नहीं, हज के लिए वर्ष भर में मर खप के इसने 1000 रुपया इकट्ठा किया, और हज के लिए जहां प्रस्थान करने ही वाला था तो कुछ संतों की टोली दिखाई पड़ गई, वो सेवा में लग गया और संत सेवा में 1000 रुपया खर्च हो गया, उस मंडली की सेवा में खर्च हो गया। फिर हज की ओर साष्टांग दंडवत करके वहीं से प्रणाम कर लिया, इसका हज कबूल हो गया। तो उसको इतना चटकना लगा कि दूसरे दिन से ऊपर खैरात बांटने लगा, जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, अंधाधुंध बांटने लगा, आंख ही खुल गई। तो हर हालत में तीरथ हूं मैं खोजिया गहरी बुड्ढी मार, भला जल पखान के बीच में किन पाया करता। जल और पत्थर के बीच में भगवान ने को कब किसने पाया। आरंभिक कक्षाएं हैं, आरंभिक श्रद्धा संग्रह श्रद्धा समर्पित करने का तरीका है, ये परमात्मा की पाठशालाएं मात्र है, आगे तो आपको समर्पण करना ही होगा। और पड़े से कढ़ा अच्छा होता है। एक मौलवी साहब जो बादशाह के मौलवी थे, नमाज पढ़ के उठे और दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले, या खुदा, खुदाई का हाल तो तू ही जानता है। तो पीछे एक किसान हल कंधे पे रख के चला जा रहा था। उसने कहा, क्या कहा मौलवी साहब? बोले, तुम उस गुड़ बातों को क्या समझोगे, पढ़ाने कढ़ा
तो मूर्ख आदमी उन गुदेश से बड़ी बातों को क्या समझोगे। तो किसान बोला, नहीं मौलवी साहब, ऐसी बात नहीं है। खुदा की खुदाई का हाल खुदाई भर नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। बोले तुम गंवार आदमी कैसे जान सकता है। बोले शर्त लगा लो। मौलवी ने सोचा सुबह सुबह अच्छा फंस गया ये। बोले 1,000 रुपया। बादशाह के सामने पेशी हुई। बोले हजूर ये खुदा की खुदाई जानता है। तो बोले भाई बताओ खुदा की खुदाई। बोले हजूर इतना बड़ा करिश्मा देखने के लिए थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा। नावें आ गई, बैठ गए जहां पर ना मौलवी साहब किसान और सेवक लोग अंगरक्षक। नाव चली आगरा से जमुना में, फिर घूम गई चंबल में। चंबल की भयंकर घाटियों में पहुंचा नाव। तब बादशाह बोला क्यों रे, कहां फंसा दिया, मरवा तो नहीं देगा। बोले हजूर थोड़ा और सबर करें, बस पहुंचने ही वाले हैं। जहां भयंकर भीड़ में पहुंचे, कहीं 500 फीट गड्ढा, फिर टीला, फिर गड्ढा, फिर टीला, फिर गड्ढा और झाड़ियां। बोले हजूर खड़ा होके, ये खुदा की खुदाई है, ने आपके बाप खुदवाए हैं ना मौलवी साहब के। तो बोले यार ये करिश्मा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। जरूर आदमी तो ऐसा नहीं खुदवा सकता, कोई जहां पुना भी नहीं खुदवा सकता, ये तो वास्तव में खुदा की खुदाई है। मौलवी हार गया 1,000 रुपया। परेशान, बोले एक साधारण गंवार अनपढ़ मूर्ख चपाट से मैं हार गया तो कैसे वसूल करूं। भाषा बदल के बोला उसको सुना के किसान को, हे परमात्मा आत्मा का हाल तो तू ही जानता है। तो किसान ने कहा, नहीं मौलवी साहब ऐसी बात नहीं है, आत्मा का हाल परमात्मा ही भर नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। बोले तुम कैसे जान सकते हो। बोले शर्त लगा लो। तो मौलवी ने कहा 2,000। बोले जैसी आपकी इच्छा मौलवी साहब। सोचा 1,000 पहले वाला वसूल हो जाएगा और 1,000 मुनाफा। इस बार तो मैं फंसा ही ले गया हूं। फिर पेशी हुई तो बादशाह ने कहा, यार विलक्षण आदमी हो तुम, बताओ आत्मा का हाल परमात्मा ही भर मान नहीं जानते, तुम भी जानते हो, तो बताओ मौलवी साहब की आत्मा में क्या है। तो बादशाह को लड़का नहीं था, उसने सभी मंदिरों मस्जिदों में सूचना भिजवा रखी थी, भगवान से प्रार्थना करो मुझे सहजादा नसीब हो। और वो था बादशाह की मस्जिद का मौलवी। तो बोले हजूर मौलवी साहब के मन में आत्मा में हर समय एक ही बात गूंजा करती है कि जहां पना को एक सहजादा नसीब हो और राष्ट्र का उत्तराधिकारी मिल जाए और मैं भी मालोमाल हो जाऊं। इस वक्त तो मौलवी साहब के मन में केवल यही बात है, पूछ के देख लो। अब इनकार करे तो गला कट जाए, साले तनखा किस बात की पाता है। बोले हाँ हजूर हर समय यही बात रहती है और इस वक्त भी यही बात है। फिर 2,000 रुपया पा गया। तो पढ़े से कड़ा अच्छा होता है, कड़ा वो होता है जो सत्संग का पला होता है। इसलिए संसार में जितने चोटी के महापुरुष हुए हैं सब उनकी पूर्व जीवन देखा जाए तो पार्थिव शिक्षा से अनभिज्ञ अंगूठा छाप। हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु, जड़ भरत, मैं ऋषि भरत, काग भूषण हारे हूं, पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम विवश मोहि कछु न सुहाई, हारे हूं पिता पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ा पढ़ा के पापा हार गए लेकिन नहीं पढ़ा। अपने युग का सर्वोपरि महापुरुष हुए। इसलिए ईश्वर पद में पढ़े से कड़ा अच्छा होता है, कड़ा होता है वो जो सत्संग का पलग से गुजरा होता है। एक राजा साहब की उंगली कट गई तो राजा साहब शिकार खेलने गए और शिकार में ही उंगली कट गई। अब उल्टा सीधा छुरी तलवार घुमा रहे थे, वो कट गई उंगली। मंत्री से कहा, मंत्री परवर मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री सत्संगी था,
मंत्री कढ़ा हुआ था। बोले, हजूर भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को बड़ा क्रोध आया, तो मेरी उंगली कट गई और कहता भगवान अच्छा करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा कि मेरा भला नहीं चाहता। महीने भर में जब घाव ठीक हुआ तो राजा फिर शिकार के लिए चला, तो मंत्री को मारे क्रोध के जेल में बंद कर दिया सिक्कों के पीछे, और दूसरे सिपाहियों को शिकार खेलने के लिए साथ लिया और निकल गया जंगल में। जंगल में एक तेज तर्रार मृग दिखाई पड़ा तो उसके पीछे घोड़ा को लगा दिया सरपट। सिपाही नए नए थे, उनको शिकार का ज्ञान तो था नहीं, वो भटक गए कहीं, और मृग इस राजा की स्टेट की सीमा पार करके जंप किया और उस पार चला गया दूसरी सीमा में। राजा भी क्रोध बस पीछे लगा रहा, घोड़ा कूदा दिया, वो भी पहुंच गया। और उस देश के राजा को उस दिन देवी को बलि चढ़ाना था एक आदमी, तो 500 सिपाही घुड़सवार ढूंढ रहे थे चारों तरफ, ऐतल गैतल कोई आवारा आदमी मिल जाए तो बलि चढ़ा दे। देश के नागरिक को चढ़ाना ठीक नहीं, क्योंकि मैं प्रजापालक नरेश हूं। तो जहां घोड़ा उधर कूदा तो घेर लिया गया, राजा साहब पकड़ गए। देवी के चबूतरे पर जब खड़ा किया, और उधर का राजा जब तलवार लेके और थोड़ा पौवा खांड पी के और नशे में धुत होके बोले, हे देवी मावा, हे माता जी, आज बड़ा हिष्ट पुष्ट बलि दे रहा हूं। तब उसने सोचा अब छूटने का मौका इनको याद दिला दूं, परिचय दे दूं। बोले, अरे फलाने राजा साहब, आपने पहचाना नहीं, मैं आपका पड़ोसी राजा दिग्विजय सिंह हूं। तब ध्यान से देखा तो पहचाना, तो बोले, और पहरा कड़ा करो, ये राजा कहीं निकलने जाए। हे देवी माँ, बहुत दिन से हमारी इच्छा थी कि मैं कभी न कभी राजा की बलि अवश्य दूंगा, आज आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और पहरा कड़ा कर दिया। राजन चिंता मत करें, आप देवी के धाम जा रहे हैं। वो सोचा प्राण तो गए। इतने में पुजारी जी ने एक मंत्र पढ़ा, सर्वांग संपन्न, सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। तो जब डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो बोले, एक उंगली है ही नहीं। बोले, ओ खंडित बलि हमारी देवी नहीं स्वीकार करेगी, सही सलामत लाओ। तो राजा जब छूटा तो सीधा भागा, जाके तुरंत मंत्री को निकाला। बोले, भाई तुम ठीक कह रहे थे, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, आज यदि ये उंगली कटी न होती तो गर्दन कट गई होती हमारी। एक उंगली काट के ही भगवान ने मेरे प्राणों को, मेरे गले को, शीश को बचा लिया। वास्तव में भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया, 3 दिन सीलन भरी कोठरी में मच्छर काटते रहे, सड़ता रहा। बोले, हजूर हमारे ऊपर भगवान ने आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छा किया। बोले, वो कैसे? बोले, ये गद्दार सिपाही आपका साथ छोड़ के पीछे हट गए। हमने शिकार में कभी आपका साथ छोड़ा? बोले, कभी नहीं। तो मैं साथ जरूर होता तो आप तो उंगली न होने से बच जाते, और मैं था सही सलामत, मेरी बलि चढ़ जाती, तो 10 मच्छड़े खवा के भगवान ने हमको बचा लिया और आपको उंगली काट के बचा लिया। तो इसलिए भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। परिस्थितियों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, ईसाई, पारसी, नास्तिक ही क्यों न हो, आधी दूरी तक तो इटोना टोटका चलते हैं। हमारे मंदिर और तुम्हारी मस्जिद और उसका चर्च ही गपोड़ा चलता है। जब तक साधना जागृत नहीं होती और अंतःकरण से जब भजन जागृत हो गया तो ईश्वर एक, साधना पद्धति एक। मंसूर इसी स्थिति, इस तरह का एक था, भारत कभी नहीं आया,
अरब में जन्मा वहीं मर गया। वो जब अपनी मस्ती में भजन की नशे में आया तो उसने संदेश दिया सबको, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। यदि प्रभु से मिलने का तुम्हें शौक, अभिलाषा, प्रेम, पूरी तरह अभिलाषा है कि मैं अवश्य मिलूंगा, तो एक ही उपाय है, हरदम लो लगाते चले जाओ, दूसरा सब भूल जाओ, प्रभु के चरणों में लो लगाते चले जाओ, नाम जपते चले जाओ। बीच में रुकावट है खुद नुमाई, मैं फलाना हूं, तो जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। स्वाभिमान, खुद नुमाई, अहंकार, इसको जला डालो। तुम एक साधक हो, शरीर एक वस्त्र है, बुद्धि क्षण क्षण में बदलती, तुम्हारे अंदर है क्या? अपने आप को समर्पित कर दो, अपनी खुदी को, अपने मन मस्तिष्क को भेंट कर दो, तो जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। उस विकारों को मिटा दो, उनको भस्म कर दो, और ये भस्म शरीर में लगाते जाओ। तो पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे ए दिल को, प्रेम का झाड़ू पकड़ो और सफा कर अपने दिल को, साफ कर, मतलब विरह के द्वारा, हिजर माने विरह के द्वारा, साधारण विरह, प्रेम और विरह की वेदना के द्वारा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे ये दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्लह पर उड़ाता जा। और भी कोई भगवान ऐसा भरोसा छोड़ो, दुई छोड़ो, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके दुई की धूल को मुसल्ले माने इस संसार की ओर उड़ाता चला जा, उन्हीं को शोभा है तुम बच्ची से। दूसरी बात, इस समाज को छोड़ दो, तो मुसल्ले है छोड़, तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त फरिश्तों का गुलाम उनका कहता जा। सामाजिक व्यवहारी मुसल्ले को त्याग दे, मुसल्ले छोड़, और पहले शुरुआत में भजन होता माला, माला का दूसरा नाम है तस्बी, तस्बी को तोड़ के फेंक दे, इसकी जरूरत नहीं। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौं दिस फिरे ये तो सुमिरन नाही। माला बनाई काठ की बड़े जतन से फेर, शुरुआत में सबको जतन से फेरना चाहिए, और जब स्तर उठ गया, भजन जागृत हो गया, तो माला दूसरी, वो तो माला श्वास की नहीं गांठ नहीं मेरू, वो असली माला श्वास की, उसमें कहीं गांठ नहीं, एक दाने के दूसरे दाने के बीच में जो गांठ लगती है ना, वो नहीं, और उसमें कोई सुमेरू नहीं। धारावाही चलते जाओ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त माला है श्वास पर श्वास की। तो मुसल्ले है छोड़, संग दोष से अलग हो जाओ, तस्वी तोड़, ये हाथ वाली माला फेंक दे, ओ किताबें किताबें डाल पानी में, ये किताबें पानी में फेंक दे। किताब पढ़ के कब कौन मुक्त हुआ है, करूं क्या? पकड़ कर दस्त फरिश्तों का गुलाम उनका कहता जा। भगवान के फरिश्ते हैं संत सदगुरु, उनका हाथ पकड़,
और उनका गुलाम कहता चला जा, अर्थात सर्वांगीण समर्पण कर दे, अवश्य पा जाओगे। और लोग क्या क्या नहीं करते हैं, यहाँ पर एकादशी भूखा रहते हैं, इतवार को नमक नहीं खाते हैं, तमाम नियम है, आरंभ में आवश्यक भी है। अच्छा, महावीर स्वामी के अनुयायी लोग सात सात दिन खाना नहीं खाते हैं, बढ़िया निर्वाह करते हैं, लेकिन न मर भूखा न रख रोजा न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कुंजा शराबे शोक पीता जा। तुम उपवास मत कर, न मर भूखा। और मुसलमानों में मजहबी तरीके में दिन में खाना मत खाओ, रात में खाओ, इसका नाम रोजा। न रख रोजा, न मर भूखा न रख रोजा, रोज है। न जा मस्जिद न कर सिजदा, न तू मस्जिद जा न सिर झुका, सिजदे माने सम प्रणाम करना विधिवत। ओ वजू का तोड़ दे कुंजा, वजू माने हाथ मुंह धोना। अरब में पानी नहीं होता है, राजस्थान में पानी नहीं था, अब हो गया है, कुछ सब जगह तो आज भी नहीं है। तो एक कटोरा पानी में हमें हाथ मुंह सब धोना है, तो चूल्हे में पानी लिया, यदि यूं धोगे तो सब पानी नीचे चला गया, तो यूं धोएंगे यूं और फिर यूं, और मुंह धोएंगे तो यूं, तो ऊपर से यूं, तो कान और ये दो चूल्हों में वजू हो गया। और ये हाथ मुंह धोना जरूरी, वैष्णव में स्नान करना जरूरी, ये जो ठीक ठाक होना है, पवित्र होना है। जो कटोर सकोरा में पानी लेके बोले उस सकोरे को तोड़ के फेंक दे, माटी का पुरवा होता है, तो वजू का तोड़ दे कुंजा, वजू के लिए कुंजा माने जो कटोरा सकोरा है उसको तोड़ के फेंक दे। शराबे शोक पीता जा, भजन एक नशा है, भजन एक खुमारी, तो सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संसार के सभी नशे, आज नशा तो कल उतर जाएगा, नहीं मिला तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेगी। नाम एक ऐसी खुमारी है, वो एक ऐसा नशा है कि चढ़ी रहे दिन रात। तो ये कहता है शराबे शौक पीता जा, भजन एक नशा है, ये एक शराब है, एक मदिरा है, शौक से प्रेम से श्रद्धा से पीता चला जा। और ये नहीं कि आज उठा के पुरवा पी लियो, ऐसी कोई शराब वहां नहीं है, हमेशा खा। तो हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, हमेशा खा। शरीर का भोजन है रोटी दाल, जिससे इसका निर्वाह हो जाए, जो हजम हो जाए, जिससे शरीर का निर्वाह हो सके। किंतु आत्मा का खुराक भजन ही भोजन है, जिससे आत्मा सदा के लिए संतृप्त होती, वो है भजन। तो ये भजन रूपी भोजन हमेशा खा, और ये प्रेम से चिंतन करना हमेशा पी, शौक से पी। तो हमेशा खा हमेशा पी, भजन ही भोजन है, और प्रेम श्रद्धा से उसका सुमरण करना हमेशा पी, नाम का मदिरा। न गफलत से रहो एकदम, लापरवाही एक पल की नहीं। गुरु महाराज कहते थे कल की अपेक्षा कहीं भजन आज कम तो नहीं हो गया। शाम को बैठ के अपनी जांच किया करो रोज भजन की, कदाचित कम हो गया हो तो रात बिरात भजन पूरा कर लो, तब आगे बढ़ो। भजन की घट्टी जिस दिन तुम सहन कर लोगे, तो एक दिन थोड़ा छूटेगा, दूसरे दिन थोड़ा और छूटेगा, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा,
जट्टा फकीर हो और आचरण गिरस्त हो, बर्बाद हो जाओगे। बनियास रात में बैठ के दो पैसे का हिसाब मिलाने के लिए एक आने का तेल जला देता, पुराने जमाने में दिया ही जला के होता था ना, ऐसा आप सही करके ही दम लेते थे। ऐसे ही साधक को चाहिए कि अपना हिसाब शाम को मिला ले कि भजन कहीं कम तो नहीं हुआ, कदाचित कम हुआ है तो रात बिरात उसको पूरा करो, तब आगे बढ़ो। घटी सहन नहीं करना चाहिए साधक को, अन्यथा एक दिन वो पटरी से उतर जाएगा। तो ये कहता है न गफलत से रहो एकदम, न गफलत से रहो एकदम, और नशे में शेर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। इस नशे के माध्यम से सैर कर अपनी, अपने घर की सैर कर, अपने स्वरूप अपने धाम की सफर कर। नशे में शेर कर अपनी खुदी माने होती माया, इसको तू जलाता जा। इसको जूं जूं भजन करोगे दग्ध होती चली जाएगी। न हो मुल्ला रस्ते में, लेकिन मजहबी झमेले, पंडित कहता इधर आओ, मुल्ला कहता इधर आओ, तो न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण दुई की छोड़ कर पूजा। दोनों की पूजा को छोड़ दे, त्याग दे, तो हुक्म है शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा। हुक्म है शाह माने स्वामी होता है, सदगुरु होता है, जो कलंदर है मालिक है, उनका आदेश है। भगवान आदेश दे दे कि तुम इस स्वरूप में हो, वो शाह कलंदर का आदेश है। गगन मंडल में पिया गोहराई से आवागमन की फिकर मिटी, वो शाह कलंदर का आदेश है कि भगवान पुकारे आकाश में, जहां उन्होंने कह दिया तू मेरा है तो आवागमन की फिकर मिट गई। तो हुक्म है शाह कलंदर का अनल हक तू कहता जा। अनल हक माने अहम ब्रह्मस्मि, उस प्रभु के स्वरूप में तुम स्थित हो, इस परिभाषा में तू अपने को देख, अनल हक कहता जा। भारत में सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति प्रज्ञा नाम ब्रह्म, कई हथकंडे। अंत में कहता है कहे मंशूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। मंशूर एक मस्ताना था, उसने कहा मैंने हक उस शाश्वत सत्य को अपने दिल में पहचाना है कि सृष्टि में जब कभी कोई मस्त हुआ है उन्होंने उनको इसी स्थान पर मिला हृदय के अंदर, वही मस्तों का मैं खाना, वही यही यहीं पर मैं खाना, हृदय में भगवान की पहचान, यहीं प्रभु का नशा मिला। जो भी मस्त हुए उन्होंने इसी स्थान पर पाया, उसी के बीच आता जा। उसी के बीच तुम आते जाते रहो, दहने बाएं मत झांको, तो धर्म हिंदू नहीं होता, धर्म मुसलमान नहीं होता, धर्म ईसाई नहीं होता, कुछ नहीं। धर्म को नहीं जानते हैं तब तक हजारों मजहब, और धर्म की प्रशस्त पथ पर आया तो भगवान एक, सुविधाएं एक, मिलने वाली विभूतियां एक। ये थे अरब के, लेकिन भाषा बोल रहे हैं भारत की। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।